ओडिशा सिविल सर्विसेज कम्बाइंड कम्पिटेटिव रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन रूल 1991 आमेंडमेंट आपण जानते ओपीएससी तरफ प्रत वर्ष कम्बाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम ओडिशा छात्र छात्री मान करा जाए से दुईटी सब्जेक्ट से परीक्षा दे ऑप्शनल सब्जेक्ट किंतु यूपीएससी रे जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा होची प्रति वर्ष ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जाम से गोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट रोचे तेणु ओडिया छात्र छात्री माने दुईटी जाक परीक्षा पाई बहुत नेशनल लेवल रे एवं स्टेट लेवल रे सिविल सर्विसेज परीक्षा पाई प्रिपरेशन करिवारे बहुत असुविधा होतला ताकु आखे रखी आज जो प्रस्ताव कैबिनेट को निया जायतला अमेंडमेंट ऑफ ओडिशा सिविल सर्विसेज कंबाइंड कंपिटिशन कंपिटेटिव रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन रूल 1991 रा अमेंडमेंट ताकु आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछन्दि सेतिरे आगरो 2250 मार्क रो टोटल परीक्षा एवं इंटरव्यू होतला वर्तमान जो अमेंडमेंट कराई से समुदाय 2000 मार्क रो परीक्षा रिटन परीक्षा एवं इंटरव्यू करा जिवो आगरो इंग्लिश एसे जोटा कंपलसरी थिला वर्तमान गोटे एसे परीक्षा हबो जोटा कि ओडिया बा इंग्लिश मीडियम रे छात्र छात्री माने चाहिले से माने दे परिबे एवं जोटा मो आगरो कहले ऑप्शनल सब्जेक्ट वर्तमान यूपीएससी रा जेमती परीक्षा होचे गोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट सेमती ओपीएससी जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा करिवो तापई मध्य गोटे मात्र ऑप्शनल सब्जेक्ट रहिवो आगरो जो अटेम्प्ट थिला अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो अलाउ कराई थिला अनरिजर्व्ड कैंडिडेट मान को पई 4 थर एससी एसटी कैंडिडेट मान को पई अनलिमिटेड एवं एससीबीसी कैंडिडेट मान को पई 7 थर अटेम्प्ट परीक्षा देवा पई अलाउ करा जाय थिला वर्तमान जेहेतु परीक्षा पद्धति रे परिवर्तन करा जीवो सेति पई छात्र छात्री मान को सहाय्य करिया पई राज्य सरकार जो प्रपोजल देतिले कैबिनेट अनुमोदन करचेंदे अनरिजर्व्ड कैटेगरी रो पिला मान को पई वर्तमान 6टी अटेम्प्ट से माने देई परिबे एससी एसटी पिला मान को पई आगा भळे एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट से माने देई परिबे एवं एससीबीसी पिला माने सर्वाधिक 9टी अटेम्प्ट से माने देई परिबे या द्वारा ओडिसा रो छात्र छात्री माने जो सिविल सर्विसेज परीक्षा नेशनल लेवल रे होचे सेतिरे एवं स्टेट लेवल जो सिविल सर्विसेज परीक्षा हो ताको एका संगरे से माने प्रिपेयर कर परिबे एवं हमें आशा करचो सर्वभारतीय स्तर रे सिविल सर्विसेज परीक्षा रे ओडिया छात्र छात्री मानकर संख्या बढ़िवो अधिक संख्या रे पिला सेतिरे क्वालिफाई करिवे तो एटा गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जहाँ आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछन्ते या व्यतीत राज्य कैबिनेट आज आउ गोटे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव को अनुमोदन करछन्ते ता होचे फ्रेमिंग ऑफ ओडिशा सिविल सर्विसेज मेथड ऑफ एग्जामिनेशन इन ओडिया मीडियम रूल्स 2022 आपण जानते राज्य विभिन्न स्टेट कैडर एवं डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट पर विभिन्न सर्विस एवं रिक्रुटमेंट रूल सब अच्छे नॉर्मली गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन अनुसार क्वेश्चन पेपर जिते तैयारी हुए स्टेट कैडर एवं डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट एग्जामिनेशन पर ता बहुत ओडिया और इंग्लीश लांगुएज करा हुए किंतु आंसर देला बेलू समस्ते इंग्लीश लांगुएज आंसर दिखते और अधिकांश इंटरव्यू सब इंग्लीश लांगुएज करा जाए वर्तमान जो अमेंडमेंट करा हुचे ए अमेंडमेंट द्वारा ओडिया भाषा समृद्ध हबो ओडिया भाषा प्रति छात्र छात्री मानकर इंटरेस्ट आउरी बढ़िबो एवं एथरे प्रेस्क्राइब करा हुचे गोटे रूल जो एबे तयारी करा हुचे से रूल अनुसार समस्त क्वेश्चन एवं आंसर पेपर आंसर समस्ते ओडिया लांगुएज रे देबे एवं जो माने चाहिबे से माने इंग्लिश लांगुएज को ऑप्ट करि परिबे तेनो एवं इंग्लिश लांगुएज रे मध्य इंटरव्यू पई मध्य ऑप्ट करि परिबे किंतु गोटे ओमनिबस रूल जोटा वर्तमान करा जाय छे सेतिरे समस्त छात्र छात्री
ओडिया लांगुएज रे परीक्षा देवाप व्यवस्था रोटा कि आगर नाला यादारा ग्रामांचल एवं ओडिया मीडियम जेहेतु लार्ज स्केल छात्र छात्री पाठ पढ़ुंट से बहुत भाव उपकृत हे एवं रूल हलापर कि अपसन रो मैंने चाहिए से मैंने इंग्लीश रिटर्न परीक्षा और इंग्लीश इंटरव्यू देपारे सो यही दुईटी बहुत गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति राज्य सरकार नहीं छात्र छात्री मान ओडिशार छात्र छात्री मान भविष्य को आखे रखिक ता छड़ा आज राज्य कैबिनेट फूड एवं फूड एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी खरीफ मार्केटिंग सीजन रो केएमएस 22-23 को आज से माने अप्रूव करचंदे आपण मैंने जानते आम जो राज्यर धान संग्रह नीति जोटा आसंता गोटे वर्ष पर्यंत आज अप्रूव कराई से राज्य सरकार सिविल सप्लायर्स कॉर्पोरेशन थ्रू रे जमती प्रति वर्ष धान प्रोक्योर करती से भाई ए वर्ष धान प्रोक्योर करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे धान सब किणाजी एवं ताको राइस मिल मान द्वारा कस्टम मिलिंग करा जाए चावल रे परिणत करा तेणु ए वर्ष पाई जो टारगेट फिक्स कराई टेंटेटिवली 71 लाख मेट्रिक टन धान ए वर्ष प्रोक्योर करा जिवो जहाँ इक्विवेलेंट चावल क्वांटिटी हो प्राय 48 लाख मेट्रिक टन ये 71 लाख मेट्रिक टन 57 लाख मेट्रिक टन आसंता खरीफ रे एवं 14 लाख मेट्रिक टन आसंता रवि ऋतु रे चासी मानक टू किणा जिवो एवं आगर जो भाया प्रोसीजर थिला चासी माने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे रजिस्ट्रेशन करिवे सेमानक पाको एसएमएस जिवो धान किणिबा पूर्वरु एवं जहाँ जहाँ प्रोसीजर थिला तांकर जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हुए 24 घंटा 48 घंटा भितर तांकर अकाउंट रे पैसा जमा करा जिवो एवं ए प्रोक्योरमेंट पीरियड बर्तमान नवेम्बर रो आरंभ हो नवेम्बर रो मार्च मास पर्यंत रहिबो खरीफ पई एवं मे रु जून पर्यंत रहिबो रबी ऋतु पई एवं फार्मर्स जो माने रजिस्ट्रेशन करथिबे एवं सेमानकर आधार आईडी प्रूफ थिबो से माने राज्य सरकार को से माने धान बिकि पारे सिविल सप्लाय कॉर्पोरेशन थ्रू रे एवं ताको फील्ड रे ए वर्ष सैटेलाइट इमेजरी द्वारा 100% फील्ड वेरिफिकेशन मध्ये करा जिवार व्यवस्था अछि चासी मान को मु जेमती कहिले एडवांस इंटिमेशन दिया जिवो एवं एम्फासिस दिया जिवो जेमती छोटो एवं नाममात्र चासी माने बहु संख्या रे जेमती रजिस्ट्रेशन करबे एवं तांकर समस्त धान से माने बिकि पारिबे सेति प्रति दृष्टि दिया जिवो माननीय मंत्री चाहिले ए जो टारगेट दिया है ताको मध्ये से बढ़ाई पारे एवं चाषी मान ऊपर कौन सी प्रकार रेस्ट्रिक्शन रही जो माने रजिस्ट्रेशन करते से माने जो आम धार्य क्वांटम अच्छे से क्वांटम अनुजाई से माने एंटायर धान से माने बिक्री करें और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स कराई कमन भेरिटी 2040 टका पर क्विंटल ग्रेड ए भेरिटी 2060 टका पर क्विंटल फिक्स कर तेणु आज राज्य सरकार का जो खरीफ मार्केटिंग सीजन 22-23 मसीहाँ जो धान संग्रह नीति ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करतीत आज राज्य सरकार ओडिशा सेक्रेटेरिएट सर्विस ओएसएस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जानते वर्तमान 5T एवं मो सरकार इंट्रोडक्शन परे जमी पब्लिक सर्विस लोक मेरे तुरंत पहुँची पार ताप राज्य सरकार बहुत गुरुत्व दौरान सेक्रेटेरिएट सर्विस ऑफिसर मान भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण ताको आखे रखिक राज्य सरकार ग्रुप ए रे 120 पोस्ट क्रिएट कर एएसओ लेवल तल लेवल 94 पोस्ट आबोलीश कर आगुरु टोटल सेक्रेटेरिएट सर्विस 11 कैडर स्ट्रेंथ थिला वर्तमान 3037 हम ये जो 120 ग्रुप ए पोस्ट क्रिएट करा जाउछे या द्वारा ओडिशा सेक्रेटेरिएट सर्विस सीनियर लेवल रे बहुत स्ट्रेंथन हम एवं ऑफिसर मान जो प्रमोशन पाइबार जो असुविधा होता ता मत दूर हम एवं से माने आहुरी बेटर सर्विस दे परिबे से भली आज राज्य कैबिनेट ओडिशा सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पीए पीएस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करते एवं यही कैडर 25
पोस्ट को अपग्रेड कराई छे जोटा कि जूनियर क्लास वन एंड अबव ए 25 टी पोस्ट भितर 11 टी पोस्ट सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल रे प्रिंसिपल प्राइवेट प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल 8 टी पोस्ट सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल रे 5 टी पोस्ट एवं सुपरिंटेंडेंट एवं एक्स ऑफिशियो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल रे गोटे पोस्ट ए भली टोटल 25 टी पोस्ट को अपग्रेड करा जाय छे एवं तांकर जो जूनियर लेवल जो पोस्ट थिला सेथरो 25 टी वैकेंट पोस्ट को अबोलिश करा जाय छे या द्वारा मध्य सेक्रेटरीट पीएपीएस कैडर रो सीनियर लेवल रे बहुत प्रमोशनल फैसिलिटी क्रिएट हेबो एवं ए सीनियर ऑफिसर माने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अन्य सीनियर ऑफिसर अच्छे से बेटर सर्विस दे पारे से भाई राज्य कैबिनेट आज माइनिंग डायरेक्टरेट एवं जिओलॉजी डायरेक्टरेट को मर्ज करने गोटे निष्पत्ति नहीं से गोटे कंपोजिट डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एवं जिओलॉजी क्रिएट करने जो प्रपोजल थिला ताको राज्य कैबिनेट अप्रूव करछन्ते या द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन हबो एवं ओडिशा रे जो मिनरल रिसोर्सेस अछि तार एक्सप्लोरेशन एवं तार माइनिंग एसो जेंते ठीक भाव रही परिबो एवं प्रॉपर्ली डिपार्टमेंट भीतर कोऑर्डिनेशन बेटर रहिबो सेति पई ए स्टेप्स लिया हिछि एतरे जो डायरेक्टर माइंस एवं जियोलॉजी रहिबे से आईएएस आईएफएस कैडर रो सीनियर ऑफिसर जने रहिबे तांका अंडर रे चारिटी एडिशनल डायरेक्टर पोस्ट क्रिएट हबो एडिशनल डायरेक्टर जियोलॉजी एडिशनल डायरेक्टर माइनिंग एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एवं एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस विंग रहिबो एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एवं फाइनेंस ओएएस एवं ओएफएस ऑफिसर मानको सेतरे पोस्टिंग दिया जिवो एवं एडिशनल डायरेक्टर माइनिंग एवं एडिशनल डायरेक्टर जियोलॉजी कंसर्न प्रोफेशनल सर्विस रु सेमाने आसीबे तेणु यादारा ओडिशार सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट बहुत इफेक्टिवली आउ एफिशिएंटली हो पार बोली आशा करा जाउछि एवं टोटल कैडर स्ट्रेंथ ए जो कंबाइंड डायरेक्टरेट बा कंपोजिट डायरेक्टरेट क्रिएट हो तार टोटल कैडर स्ट्रेंथ 626 रहबो से भली राज्य कैबिनेट आज ओडिशा माइन मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ओएमसी ए दुईटे कॉर्पोरेशन को मर्ज करिया पई निष्पत्ति नेचंदे ओएमसीएल गोटे ओएमसी रो 100% सब्सिडियरी कॉर्पोरेशन थिला एवं ताकू मर्ज कला परे जो तर एफिशिएंसी मिनरल एक्सप्लोरेशन पई एवं तांका जो एक्टिविटी ताकू ओएमसी रिस्पांसिबिलिटी नै परिबो एवं विभिन्न मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जा थिला विभिन्न प्रकार कंप्लायंसेस दुटा कंपनी द्वारा ता मध्ये कमी जाई परिबो तो एटा गोटे इम्पोर्टेन्ट डिसीजन नै आइछि आज राज्य कैबिनेट जो लास्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपोजल आज राज्य कैबिनेट सम्मुखर थिला ता होछि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ डिफरेंट स्टेट कैडर पोस्ट और सर्विसेस रूल्स 2022 आपण जानते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा विभिन्न स्टेट लेवल एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल रे विभिन्न ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पोस्ट पे सेपरेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा जाउतला एवं जेहेतु सबुडार क्वालिफाइंग क्राइटेरिया प्राय ग्रेजुएशन अछि बहुत अधिकांश परीक्षा रे तेणु एटा गोटे अटेम्प्ट निया हेछे सबु ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन थिबा परीक्षा को एकाठी करके गोटे कंबाइंड एग्जामिनेशन जदि करा जिवो ताले टाइम बहुत सेव हबो एवं राज्य सरकार जो एक्सपेंडिचर होतला एवं पिला माने मध्य छात्र छात्री माने मध्य बहुत गुडे परीक्षा दउतले एवं तांकर मध्य टाइम वेस्ट होतला तें ताको आखे आगे रखे कि आज ए जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रूल करिया पे निष्पत्ति निया जाय छे एवं या द्वारा खूब कम समय भितर जो पोस्ट सब अच्छे ग्रुप बी एवं ग्रुप सी रो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तार रिक्रूटमेंट करि परिबे एवं पिला माने जो परीक्षा देबे सेतरे से माने विभिन्न सर्विस पई बा जॉब पई से माने तांकर ऑप्शन देबे से ऑप्शन अनुसार एवं मेरिट लिस्ट अनुसार से माने निज निजर विभिन्न चाकरी से माने पाई परिबे तने या द्वारा ओडिसा रो जो ग्रामांचल रे दूर दूरांतर जो पिला माने सब खर्चांत हे
ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ୟାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ କମିଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ସମୁଦାୟ 8 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।